Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So my number is 9899123008 in case of any feedback or in case you need my help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. So हम पढ़ रहे थे network security controls. Network security controls में introduction पढ़ लिया था, कौन कौन सी threats and vulnerabilities होती हैं वो हमने पढ़ लिया था, और finally फिर उन threats और vulnerabilities के लिए कौन से controls लगाएं हम ये पढ़ रहे थे. तो हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिया था, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन पढ़ लिया था. पहला पढ़ा था आर्किटेक्चर, सेगमेंटेशन, रिडंडेंसी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हमें एलिमिनेट करना होगा. आर्किटेक्चर कैसे होगा, किससे किस तरह का आर्किटेक्चर होना चाहिए कि नेटवर्क सिक्योरिटी सही तरीके से रहे, उस कंट्रोल वे में रहे. उसके बाद क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन पढ़ लिया था. हमने ये पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इन क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन बहुत होना बहुत जरूरी है, और इंटेग्रिटी के लिए भी. उसके बाद हमने कंटेंट इंटेग्रिटी पढ़ा था कि कंटेंट की इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है. फिर हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है, कि ऑथेंटिकेशन एक स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होने से लॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, और लॉजिकल कंट्रोल्स किसी भी इवन नेटवर्क के लिए या स्टैंडर्ड अलोन कंप्यूटर के लिए ऑथेंटिकेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. फिर हमने पढ़ा था रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी के बारे में, कि अगर कोई रिमोट सिस्टम हो उसकी सिक्योरिटी किस तरह से की जाएगी, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हमने उसको पढ़ा था. फिर हमने पढ़ा था फायरवॉल्स के बारे में, कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, और फिर इंटरनेट एक्स्ट्रानेट इंटरनेट से जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद कौन सी फायरवॉल्स किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या हमें फायरवॉल्स में देखना चाहिए, कॉमन डिनोमिनेटर हो, फायरवॉल कॉमन डिनोमिनेटर होती है तो क्या क्या चीज़, किस तरीके से एक फायरवॉल से नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जा सके. अब हम पढ़ेंगे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हम ये पढ़ेंगे नेटवर्क एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल को कैसे कंट्रोल करेगा. तो क्या होता है, आपने फायरवॉल लगा दी. अब फायरवॉल लगाने के बाद पैरामीटर कंट्रोल लगाए. बेसिकली पैरामीटर कंट्रोल का मतलब क्या है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर पैरामीटर, यानी आपके घर का बॉर्डर वहाँ पर पैरामीटर, ताकि कोई अंदर ना आ सके. तो उसमें फायरवॉल लगा दिया, ऑथेंटिकेशन लगा दिया, एक्सेस कंट्रोल्स लगा दिए, यानी कि कोई आएगा तो ऑथेंटिकेशन देगा, बताएगा बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं या आयरिस स्कैन वगैरह हैं, वो ऑथेंटिकेशन कंट्रोल में आएगा. फायरवॉल लगा दिया आपने, एक्सेस कंट्रोल्स लगा दिए, तो ये बेसिकली प्रिवेंटिव कंट्रोल है. प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब यानी कि डिज़ास्टर होने से पहले के कंट्रोल, यानी कि डिज़ास्टर होने से पहले के कंट्रोल, ये बेसिकली प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हैं. तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आपने लगा दिए, तो इससे क्या होता है कि अधिकतर चीज़ें सही हो जाएंगी, यानी कि जिस व्यक्ति को आना है वो आएगा, अवेलेबिलिटी जिसको होनी चाहिए होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी जहाँ मेंटेन होनी होगी, सिस्टम की इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी. लेकिन कुछ यूज़र्स जो होंगे जिन्हें सिस्टम में नहीं एडमिट होना है करना है, वो भी कई बार आ जाएंगे. तो ऐसे यूज़र्स को, जो अनडिज़ायरेबल यूज़र हैं या अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं, उसको रोकने के लिए हम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं. अब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्यों लगाते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा एम्प्लॉई है, उसको इंसाइडर को, अधिकतर सिक्योरिटी इंसिडेंट इंसाइडर करता है, इनसाइडर के पास सिग्निफिकेंट एक्सेस प्रिविलेजेस होते हैं, उसको काम करने के लिए एक्सेस प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, और सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, तो ये फायरवॉल से ब्लॉक नहीं होता है. तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपके इन प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, और नेक्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता है. यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी बॉर्डर है, आपने क्या किया, वहाँ पर फेंसिंग लगा दी आपने, और चीज़ें लगा रखी हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग रडार्स लगा रहे हैं, ग्राउंड सेंसर्स लगा रखे हैं, और चीज़ें कैमराज लगा रखे हैं, नाइट विजन कैमराज वहाँ पर लगा रखे हैं, CCTVs लगा रखे हैं, ताकि आप मूवमेंट देख सकें. उसके बावजूद, उसके बाद आपने CRPF लगा रखी है, CRPF के पीछे आर्मी खड़ी हुई है, और वहाँ पर इंटेलिजेंस वाले लोग घूम रहे हैं कि क्या हो रहा है देखने के लिए. तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इन नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में काम करता है. तो इन एक बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम सेपरेट कंप्यूटर्स में होते हैं, सेम कंप्यूटर्स में नहीं होते हैं, कि अगर सेम कंप्यूटर्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो सेपरेट कंप्यूटर्स में सुरक्षित रहें, और ये एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, ये सस्पिशियस और मलिशियस इवेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम है डिटेक्शन, उसका काम ब्लॉकिंग नहीं है. डिटेक्ट करो और बताओ, डिटेक्ट करो और बताओ, वो इंटेलिजेंस है. यानी कि फायरवॉल तो आपकी लगी हुई है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है, रॉ है,
या इंटेलिजेंस है जो घूम रही है और जो बता रही है कि भाई ये हो सकता है। तो आइडियस सेंसर्स होते हैं, आइडियस सेंसर्स अलार्म रेज करते हैं। तो बेसिकली अलार्म रेज करेंगे और फिर क्या करेंगे कि अलार्म के क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर सिस्टम की ऑडिट लॉग्स में एंट्री दे दी, या अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैसेज भेज दिया मेल में, डायरेक्टली मेल कर ऑटोमेटिकली मैसेज शूट आउट हो गया मेल के थ्रू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई ये गड़बड़ हो रही है। तो क्या होता है कि आप ऑडिट लॉग्स में यह लिख देते हैं, अगर मान लिया सपोज मैं सिस्टम कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मैं एक बुरा एम्प्लॉई हूँ और मैं किसी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और चार बार मैंने कोशिश की, तो उसने लॉग में नोट कर देगा कि ये चार बार से तोड़ रहा है, कोशिश कर रहा है और इसको एक्सेस राइट्स नहीं है। और बाय द वे उसी सिस्टम से मैं तोड़ देता हूँ तो वो आगे इन्फॉर्म भी कर सकता है कि ईमेल से कि इस पर्टिकुलर नंबर ने ये सिस्टम में ब्रीच कर दिया है। तो वो आइडियाज़ बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी तो इन्फॉर्म कर देगा। तो आइडियस सेंसर से इनपुट रिसीव करता है और उस इनपुट्स को वो एनालाइज करता है और उसके बाद वो कुछ कंट्रोलिंग एक्शंस ले सकता है। तो बेसिकली जो आइडियस से आइडियस जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो क्या क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि वो यूज़र और सिस्टम एक्टिविटी को मॉनिटर करे, वो सारे यूज़र्स को देखे कि भाई किसी के पासवर्ड जैसे ही जैसे कोई आदमी सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है तो एक बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, तो वो देखने की कोशिश करेगा, सिस्टम की एक्टिविटी को देखने की कोशिश करेगा, यूज़र की एक्टिविटी को देखने की कोशिश करेगा। फिर वो ये देखेगा कि वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को ऑडिट कर सकता है, उसकी वनरेबिलिटी देख सकता है, मिस कॉन्फ़िगरेशन देख सकता है, वो देख सकता है फायरवॉल जो है वो कंप्लीट स्कैन मोड में है कि नहीं है, वो आर्ली स्कैनिंग तो नहीं कर रही है, लाइव स्कैनिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर फायरवॉल लाइव स्कैनिंग नहीं कर रहा है तो वो उसको उसकी ऑडिटिंग कर सकता है, वो ये कह सकता है ये वनरेबिलिटीज़ है, मिस कॉन्फ़िगरेशन है, कोई वायरस एंटीवायरस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली वो देख रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर रहा है कि नहीं चेक कर रहा है, कितनी टाइम में अपने आप को अपडेट करता है, अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आईडीएस कॉन्स्टेंटली चेक कर सकता है। फिर वो क्रिटिकल सिस्टम और डेटा फाइल की इंटेग्रिटी चेक कर सकता है कि भाई ये इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है। उसके बाद वो अटैक पैटर्न्स, किसी भी सिस्टम में अटैक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। मालूम पड़ा अगर मैं गूगल का सर्वर हूँ और मेरे पास अफ्रीका से बहुत कम रिक्वेस्ट आती हैं और अचानक अफ्रीका से आज के दिन 500 गुना ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी, तो ये एक अटैक पैटर्न हो सकता है, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है। तो वो उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा और अलर्ट कर सकता है। एबनॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, वो इन एबनॉर्मल एक्टिविटी को स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के द्वारा वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकता है कि भाई यहाँ से पैटर्न बढ़ा है, घट गया है, यहाँ से रिक्वेस्ट आती थी, इस जगह से रिक्वेस्ट आती थी, इस जगह से रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, यहाँ से रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है। तो उन पर्टिकुलर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके वो जो नेटवर्क मैनेजर है, जो नेटवर्क जो मैनेजर वहाँ पर है, उसको बता सकता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिर ऑडिट ट्रेल्स वो मैनेज कर सकता है। उसके बाद अगर कोई यूज़र है वो पॉलिसी का वायलेशन कर रहा है या नॉर्मल एक्टिविटी के बाद एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, उसको हाईलाइट कर सकता है। अगर एक यूज़र एक पर्टिकुलर सिस्टम में काम करता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस में ही काम करता है, वो सेल्स वालों के साथ बैठकर काम करने लगा है और बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बीच बीच में कई बार काम कर रहा है, या सैटरडे संडे रात को अचानक काम कर रहा है, दिन में के बजाय रात के 12 बजे काम करना स्टार्ट कर रहा है, अचानक आ रहा है ऑफिस में 12 बजे 1 बजे एंट्री ले रहा है और काम कर रहा है, तो वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन एरर्स को उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंट्रूडर इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे रिमोट एक्सेस का ऑडिट करना, नेटवर्क सिक्योरिटी के स्पेशल कंसिडरेशंस हैं, उसको इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम देखेगा। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बेसिकली कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी को देखने की कोशिश करेगा, उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेगा और इन्फॉर्म करेगा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को, इन्फॉर्म करेगा अगर कोई गड़बड़ होगी, या तो लॉग में लिख देगा या इंस्टेंटली इन्फॉर्म कर देगा मेल के थ्रू। उसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जो है
दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, जैसे फायरवॉल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। अगर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है तो फायरवॉल को कह सकता है कि भैया ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है, तो फायरवॉल सोर्स ऑफ अटैक को रोकेगी। अगर अफ्रीका से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लगे तो वो रोक सकती है। हो सकता है कि गलबल गड़बड़ हो, फॉल्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आजकल जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के भाई फायरवॉल के साथ बंडल्ड होते हैं, और फायरवॉल के साथ इंस्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं और फायरवॉल को बताते हैं कि भाई ये थ्रेट्स आ रहे हैं, या थ्रेट्स को डिले करते हैं, करेगी फायरवॉल या उसको रोकेगी। अब टाइप्स ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन, सिग्नेचर बेस्ड हो सकते हैं, ह्यूरिस्टिक हो सकते हैं। सिग्नेचर बेस्ड क्या होंगे कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा या कोई सिचुएशन होगी, वो जैसे ही मैच होगा तो वो समझ जाएगा कि अटैक हो रहा है। ह्यूरिस्टिक सिस्टम्स क्या होगा, वो एनोमली बेस्ड होगा, यानी कि एक मॉडल होगा एक्सेप्टेबल बिहेवियर का, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर का। तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को फ्लैग करेगा, यानी कि चार बार आदमी अगर पासवर्ड लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है और लॉग इन नहीं कर पा रहा है तो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको वो लिख लेगा लॉग में। अगर मालूम पड़ा फाइनेंस वाला एचआर सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसको लॉग देगा, लॉग कर देगा। तो ये भी हो सकता है कि अगर मान लिया सपोज फ्यूचर में जो ह्यूरिस्टिक बिहेवियर्स हैं उसको हटाया जा सकता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को हटाया जा सकता है। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए एचआर, फाइनेंस एचआर के किसी सिस्टम का एक्सेस लेता है तो वो उसको फ्लैग को हटा सकता है कि भाई ये बंदा इससे कर रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। उसके अलावा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम नेटवर्क बेस्ड हो सकते हैं, होस्ट बेस्ड हो सकते हैं। नेटवर्क बेस्ड है तो एक पर्टिकुलर स्टैंड अलोन डिवाइस में होगा और पूरे नेटवर्क को देख रहा होगा। होस्ट बेस्ड का मतलब ये होस्ट में होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर सर्वर में होगा या पर्टिकुलर वर्क स्टेशन में होगा या पर्टिकुलर क्लाइंट में होगा और उस पर्टिकुलर चीज़ को सेव कर रहा होगा। कहने का मतलब ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पूरे सिस्टम के लिए भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर सर्वर के लिए भी हो सकता है, होस्ट के लिए भी हो सकता है, क्लाइंट के लिए भी हो सकता है। तो नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड, इस तरह से हम इसे डिजर्न करेंगे। तो बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम किसी भी एक नेटवर्क की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में डिटेल्ड वे में हमने पहले भी पढ़ लिया है कि क्या क्या होते हैं। यहाँ पर एक इस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क की सिक्योरिटी को कैसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हेल्प करेगा। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम का काम क्या है, केवल डिटेक्ट करना, इंटेलिजेंस गैदर करना और इंटेलिजेंस गैदर करके इन्फॉर्म कर देना। यानी कि आपके पास क्या होता है, युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं और दूसरा इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस युद्ध नहीं कर रही होती, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दे रही होती है और उससे डिसीजंस हो रहे होते हैं। तो वो इंटेलिजेंस लॉग्स में नोट हो सकती है, डायरेक्टली जा सकती है। वो इंटेलिजेंस किसकी हो सकती है, एबनॉर्मल पैटर्न की होगी हमेशा। वो उसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो सकता है। एबनॉर्मल पैटर्न किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल पैटर्न हो सकता है कि भाई सिस्टम का कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, कोई वनरेबिलिटी आ रही है, यूज़र एक्टिविटी जो नहीं होनी चाहिए हो रही है, अटैक पैटर्न्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्ट करता है कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है और फिर उसके बाद वो रिएक्ट करता है उसी के अनुसार। तो सिग्नेचर बेस्ड हो सकते हैं, ह्यूरिस्टिक बेस्ड हो सकते हैं। सिग्नेचर बेस्ड जो नॉर्मल पैटर्न है वो अगर वो मैच कर गई सिग्नेचर बेस्ड बता देगा। ह्यूरिस्टिक बेस्ड जो होते हैं अगर पैटर्न मैच, अगर उसमें एक स्टैटिस्टिक एक मॉडल बनता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर का और फिर एक्सेप्शन को फ्लैग कर दिया जाता है, उस एक्सेप्शन को हटाया भी जा सकता है। और इसके अलावा नेटवर्क बेस्ड होते हैं और होस्ट बेस्ड होते हैं। तो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बेसिकली सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हेल्प करता है। यानी फायरवॉल तो रुकती है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एक इंटेलिजेंस विंग की तरह काम करता है। तो मतलब अगर आप देखो कंप्यूटर्स को तो ह्यूमन सोसाइटी को आइडेंटिफाई करके आप सिस्टम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई एक ह्यूमन सोसाइटी एक आदमी है, एक शहर है। उसी तरीके से आप कंप्यूटर में होने वाली चीज़ों को या को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन को केवल डिटेक्शन करना है और ये काम जनरली कौन करता है, इंटेलिजेंस करती है, इंटेलिजेंस विंग करता है। किसी भी कंट्री में वो शांतिपूर्वक बैठता रहता है, देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है, उसका काम कुछ नहीं करना है,
उसका काम देखना है केवल। अगर कोई हैकर हैक कर रहा है तो बस देखता रहेगा और फिर वो बता देगा, फायरवॉल को बता देगा या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बता देगा कि भाई हैकिंग हो रही है, और फिर वो उसी के अनुसार काम करेगा। तो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा और वो सिक्योरिटी को कंट्रोल करेगा। तो हमने पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी और उन थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम पढ़ेंगे भाई ऑडिट कैसे किया जाए, यानी कि अगर आप नेटवर्क किसी भी नेटवर्क सिक्योरिटी को ऑडिट करने जाओगे एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर तो उसकी ऑडिटिंग कैसे करोगे। एक एग्जॉस्टिव ऑडिटिंग टेक्निक्स हमारी स्टडी में दी हुई हैं। आप कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी का क्या लेवल है, अगर मिलिट्री है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, या एनजीओ है जो बिल्कुल ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है आपका, वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है, तो उसको अपनी चीज़ें वो जनरली ट्रांसपेरेंट रखता है, तो उसको केवल इतना चाहिए कि वेबसाइट डिफेसमेंट ना हो, कई चीज़ें ना हो, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन उसकी बहुत ज़्यादा सिक्योर रखने में उसको कोई वो नहीं है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं है, केवल उसकी चीज़ें डिफेस ना हो, तो वहाँ पर सिक्योरिटी अलग टाइप की होगी। अगर ड्रग्स कंपनी है तो उसमें अलग होगी, ड्रग्स में रिसर्च कंपनी रिसर्च कर रही है ड्रग्स की तो और ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी होगी, तो किस टाइप सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसकी अलग सिक्योरिटी होगी, तो उनको कैसे ऑडिट करेंगे ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। थैंक्स।